कोरोना का इलाज कर रहे प्राइवेट अस्पताल अब नर्सिंग केयर, मॉनिटरिंग, डॉक्टर की विजिट, आवश्यक जांच और परीक्षण इत्यादि के नाम पर अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकेंगे। कोविड 19 के प्राइवेट अस्पताल अभी मरीजों से तय शुल्क के अतिरिक्त अन्य कई तरह के मद जोड़कर लाखों रुपए का बिल थमा रहे थे। ऐसे में शिकायत मिलने पर स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी कर यह स्पष्ट किया है कि पहले से निर्धारित शुल्क में ही पूरा पैकेज शामिल है। सिर्फ रेमडेसिविर से प्रयोगात्मक उपचार और कोरोना जांच का शुल्क नहीं शामिल है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने निर्देश दिए हैं कि अगर इससे अधिक कोई निजी अस्पताल शुल्क लेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स NBH द्वारा मान्यता प्राप्त कोविड 19 के निजी अस्पताल आइसोलेशन बेड का 10,000 रुपये प्रतिदिन और नॉन NABH अस्पताल 8,000 रुपये प्रतिदिन आइसोलेशन बेड का चार्ज ले सकेंगे। इसमें गंभीर रोगियों के लिए ऑक्सीजन एवं अन्य सहयोगी उपचार भी शामिल है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने कहा, तो प्राइवेट वाले नहीं आ रहा, प्राइवेट वाले वो वाले चढ़ाते हैं जो आपके जिनको आपने पासपोर्ट जैसे रेलवे शासन में ऐसी शिकायत हुई थी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जो निर्धारित ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास के सिटीज़ के हॉस्पिटल्स हैं उनमें NABL कौन सा है, कौन NABL नहीं है और किसको ऑक्सीजन चाहिए, किसको वेंटिलेटर चाहिए, कोई सामान्य पेशेंट है आइसोलेशन में रहने वाला, उनके दर निर्धारित थे मोटे तौर पे 8,000, 13,000 और 15,000। 8,000 वो जो सामान्य थोड़े बहुत सिम्टम के साथ भर्ती हैं, 13,000 उनको जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है पर वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं, और 15,000 उनको जो वेंटिलेटर की ज़रूरत है जिसमें PPE किट की कीमत शामिल थी। कुछ लोग विभिन्न जांचों और स्पेशलिस्ट को बुलाकर दिखाने की फीस ये सब जोड़ते थे, तो ये शिकायत शासन स्तर पे गई थी। तो एक नया शासन आदेश कल जारी हो गया है जिसमें उन्होंने स्पष्ट करके लिखा है कि कौन कौन सी चीज़ उस पैकेज में 8,000, 13,000, 15,000 के पैकेज में कौन कौन सी चीज़ शामिल है। तो वो एक नई चीज़ आई है जिसको हम सभी अपने कोविड हॉस्पिटल्स को दे दिए हैं और ये हम कोशिश करेंगे कि उसी के अनुसार वो मरीजों की सेवा करें। सर अब क्या जो निर्धारित मूल्य था पहले लागू हो गया था क्या उसमें भी तब्दीली आएगी? जो मूल्य लागू किया गया था मूल्य पैकेज मूल्य वही है, उस पैकेज में क्या क्या होना चाहिए ये पूर्व के शासनादेश में बहुत स्पष्ट नहीं था, अभी उसको रिवाइज करके उसको स्पष्ट कर दिया गया है कि उसमें नर्सिंग केयर, उसमें ऑक्सीजन के चार्ज, उसमें PPE किट का चार्ज, उसमें जो कॉमन मेडिसिन से ये सब उसमें शामिल है। सर